जोगसर थाना क्षेत्र की नागरमल मॉल के समीप एक रेस्टोरेंट में पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने रेस्टोरेंट के ग्राउंड फ्लोर में बने केबिन से कई प्रेमी जोड़ों को पूछताछ के लिए थाने लेकर गई। हालांकि रेस्टोरेंट से पुलिस ने कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया। बता दें, पुलिस को रेस्टोरेंट में संदिग्ध गतिविधि की लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद काफी संख्या में महिला और पुरुष जवानों के साथ पुलिस ने रेस्टोरेंट में छापेमारी की। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्मोकलेस रेस्टोरेंट है, जिसके अंदर केबिन बनाकर जो है कपल को दिया जाता है और आपत्तिजनक कार्य जो है वहाँ पे होता है। अब पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी, इसका सत्यापन किया गया और इस संबंध में ही आज महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ में एक रेड किया गया है, जिसमें कुछ लड़के लड़कियाँ भी थी वहाँ पर उपस्थित थे, जिनको पीआर बॉन्ड पे उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। और जो रेस्टोरेंट है उसमें एक उनके मालिक और जो उनके विरुद्ध जो है विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर जिलाधिकारी ने नए बस स्टैंड रिक्शा डी का निरीक्षण किया। शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर अमरेश्वर चौधरी ने नए बस स्टैंड का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि 20 से 25 दिन के अंदर नए बस स्टैंड पर समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी, ताकि वाहन चालकों से लेकर आम लोगों को कोई परेशानी न हो। साथ में कहा कि सुचारू यातायात को लेकर जितने भी ई रिक्शा है सभी को रूट निर्धारित करते हुए कोडिंग करवाना है। आगे जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी को भी यह निर्देश दिया गया है कि शहर में जितने चौक चौराहों पर उबड़ खाबड़ है सभी को दुरुस्त करा दे, ताकि वाहन चलाने में कोई परेशानी ना हो। इस निरीक्षण दौरान नगर निगम के नगर आयुक्त ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह एसडीओ संजय कुमार के साथ कई विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। अभी यातायात व्यवस्था को लेकर के मैं हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर हमारे डीडीसी साहब एडीएम साहब एसडीओ डीएसपी ट्रैफिक सभी लोगों ने सर्वे किया है और हम लोग बस स्टैंड को शिफ्ट करने के लिए आप देख रहे हैं कि काफी अच्छे से यहाँ पे काम हुआ भी है, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है जिसको कि हम लोग कराने के बाद ही पूरी तरीके से स्टैंड को शिफ्ट करेंगे। और इसमें तात्कालिक रूप से शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे उसको लेकर के हमने कई निर्देश दिए हैं। जैसे उल्टा पुल पे किसी भी परिस्थिति में कोई भी वेंडर वहाँ पे गाड़ी नहीं लगाएगा, यानी जो है ठेला है रिक्शा है वो वहाँ पर रुका नहीं रहेगा, उसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और 10 तारीख से हम लोग जितने भी ई रिक्शा है उनका सभी का एक रोड चिन्हित कर दिया गया है, उसी सड़क पे वो चलेंगे। विभिन्न पट्टी उनके जो ई रिक्शा है उस पर पट्टी कलर में जो है पेंट भी रहेगा, उसी सड़क पे चलेंगे। अन्य मार्ग पे चलेंगे तो वो रिजर्व में चल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः सामान्य पैसेंजर को लेकर के नहीं चल सकते हैं। दूसरा कि कुछ जगहों पे हम लोग रस्सी भी बंधवा रहे हैं, ताकि जो हमारी सड़क है उस सड़क की चौड़ाई वेंडिंग जोन के कारण से प्रभावित नहीं हो, और आम लोगों के सहयोग से हम लोग इस ट्रैफिक व्यवस्था को काफ़ी दुरुस्त बनाएंगे। कब तक ये हो जाएगा चालू? इसको अभी चालू करने में हो सकता है 25 दिन कम से कम लगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक बार स्टार्ट हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको दुरुस्त करके स्टार्ट करें। और एक और आपको अवगत कराना चाह रहे हैं, जितना भी चौक है और चौराहा है वहाँ पे हम अपनी टीम को आरसीडी की टीम है म्यूनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में जा कर के अभी चेक कर रही है, जहाँ भी उबर खाबर है या हम और रोड को और चौड़ा कर सकते हैं तो उस पर निर्णय ले करके हम लोग उसको भी दुरुस्त करेंगे, ताकि जाम का सामना नहीं करना पड़े। बिहार में शिक्षा विभाग के एक विशेष निर्देश के तहत ही जिले के तमाम अष्टम उत्तीर्ण छात्रों का नवम में नामांकन संभव है। इसी बाबत आज नाथनगर कहलगांव व अन्य प्रखंड के सैकड़ों बच्चों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया। छात्र का कहना है कि अष्टम उत्तीर्ण होने के बाद हमें जिस विद्यालय में नामांकन कराना है वो हमारे पोषक क्षेत्र से बहुत दूर है। हम जहां नजदीक के विद्यालय में नामांकन कराना चाहते हैं उस विद्यालय के प्राचार्य कहते हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर लेकर आओ। वहीं जब जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय आते हैं तो हम लोगों के साथ टाल मटोल किया जाता है। इस मामले को लेकर आज जिले के कई प्रखंड के बच्चों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय व जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जमकर बवाल काटा। एडमिशन करवाने आया है। किस क्लास में? 9th क्लास में। क्या परेशानी हो रही है स्कूल में? परेशानी हो रही है कि हमारे घर से बहुत दूर स्कूल है। कितना दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। क्या बोल रहा है वहाँ? वहाँ बोल रहा है डीओ सर से सिग्नेचर लेकर आए आवेदन पत्र पे हम एडमिशन गर्ल्स स्कूल में कर देंगे। यहाँ डीओ के पास आई क्या हुआ? डीओ सर बार आई हो यहाँ पे? लगभग 2 बार आ चुके हैं। रामपुर से है। तुम हम 8th क्लास पास चाहती क्या हो तुम? हम चाहते हैं गर्ल्स स्कूल में एडमिशन कराना।
जो कि हमारा पंचायत से 5 किलोमीटर स्कूल पड़ता है, जो कि पोषक क्षेत्र हमारा 500 मीटर में पड़ता है। गणपत सिंह जब आते हैं डीओ साहब से, आज है कल नहीं है, 10 दिन के बाद आना, 15 दिन के बाद आना, यही बताते हैं, मेरा रीजन बताते हैं। समस्या है कि हम लोग ट्रेन से डेली आते हैं, पानी खाना पीना की परेशानी यही सब होती है। आज हम लोग रोड धरना देंगे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। नौगछिया पुलिस जिला अंतर्गत कदवा देरा क्षेत्र में नवी नगर निवासी गुड्डा यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस वार्ता के माध्यम से नौगछिया SP पूरन झा ने बताया कि गुड्डा यादव के खिलाफ हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट के कई कांड दर्ज है। बताते चले उक्त बदमाश लगातार कदवा किसानों को हथियार का भय दिखा कर रंगदारी वसूलने का काम किया करता था। वहीं तरबूज, खीरा, परवल आदि व्यवसायियों से भी रंगदारी वसूलता था। दहशत फैलाने की नीयत से गोलीबारी करने की भी शिकायत थी। कांड की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। गठित टीम ने अपराध कर्मी गुड्डा यादव को उसके घर नवी नगर से दबोच लिया। इसकी गिरफ्तारी से कदवादेरा क्षेत्र में किसान काफी खुश हैं। गुड्डा यादव के द्वारा जो किसान अपनी फसल काट रहे हैं उनसे लगातार रंगदारी मांगी जा रही थी। इन दिनों देहरा में खीरा, परवल, तरबूज आदि की खेती और फसल कटने का समय आ गया है। देहरा में काफी संख्या में किसानों ने अपनी फसल को उगाया हुआ है। जो लोग मार्केट फसल ला रहे थे उस पर उससे गुड्डा यादव द्वारा रंगदारी मांगी जा रही थी। इस संबंध में 24 तारीख को इन लोगों ने दियारा में फायरिंग भी की ताकि इनका भय कायम रहे। गुड्डा यादव को आज गिरफ्तार किया गया है। हाँ सर, जिसको हमने नवी नगर में घर से गिरफ्तार किया है। क्या कबूलनामा इसमें पुराने भी केसेस है, उन सब में संलिप्तता एवं जिन लोगों ने इसके साथ उस दिन फायरिंग की थी उनके नाम हम लोगों को बताए थे। इसमें 4 केसेस पुराने हैं जिनमें मुख्य रूप से आर्म्स एक्ट केसेस, SC ST के केसेस एवं रंगदारी के मामले हैं। कुछ मिला भी सर हथियार वगैरह? जी नहीं, इसके बाद से कोई रिकवरी नहीं हुई है, हम प्रयास कर रहे हैं। सर इसका क्या संगठन कोई चलता है ये अकेला इस तरह का? देखिए इस तरीके से पूर्व में शबनम यादव के द्वारा रंगदारी मांगी जा रही थी। शबनम यादव जैसा कि आपको बताया गिरफ्तार करके पुलिस पूर्व में उसको जेल भेज चुकी है, उसके बाद से अपना भय बनाने के लिए उसी पैटर्न पर अभी ये काम कर रहा है। विगत सप्ताह रंगरा प्रखंड स्थित उसरैया गांव में भीषण आगजनी के परिणाम स्वरूप 150 से 200 घर जलकर राख हो गए थे। इस तबाही के उपरांत लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, रहने से लेकर खाने पीने की समस्या हो रही थी। इसी बाबत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भागलपुर की टीम ने गांव का दौरा किया और आगजनी से पीड़ित लोगों को तिरपाल वितरण हेतु 44 लोगों को पर्चा दिया गया, जिसके बाद तिरपाल वितरण का कार्यक्रम पर्चा धारकों को रंगरा थाना बुलाकर उनके सुपुर्द किया गया। इस मुहिम में चेयरमैन अशोक युवराजी, वाइस चेयरमैन डॉक्टर जय कुमार सिंह, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव अनुज कुमार सिंह, सचिव परवीन कुमार झा एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य अभिषेक डालमिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं भागलपुर रेड क्रॉस सोसाइटी को धन्यवाद देता हूँ
कि हमारे क्षेत्र में उसैया नाम एक गांव है जो तिमटंगा पंचायत के अंतर्गत पड़ता है। इस पंचायत में भीषण आगजनी की घटना घटित हुई। इस घटना के उपरांत इन लोगों के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी भागलपुर के द्वारा उस स्थान का मुआयना किया गया और वहाँ विधि व्यवस्था संबंधी समस्या उत्पन्न ना हो ऐसी परिस्थिति में मदद के लिए इन लोगों के द्वारा त्रिपाल बांटा गया। भीषण आग लगी को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भागलपुर द्वारा त्रिपाल वितरण किया गया, जिसमें रंगनाथ थाना का बहुत सहयोग रहा और खास करके हमारे चेयरमैन, हमारे वाइस चेयरमैन डॉक्टर अजय सिंह जी और रंगनाथ थाने के सभी स्टाफ को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भागलपुर ब्रांच के द्वारा वहाँ पर त्रिपाल का आज वितरण किया गया। वहाँ पर जाकर पहले तो रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी, चेयरमैन और सभी लोगों ने मुआयना किया और लोगों को पर्ची वितरित किया कि जिनको ज़्यादा जरूरत थी उनके हाथ में पर्ची दिया गया और उसको फिर थाना रंगरा थाना में हम लोग ने उसको आज त्रिपाल बांटा। इसमें रंगरा थाना का बहुत सहयोग रहा, खास करके संतोष जी का, वहाँ के स्टाफ का, आपका क्या नाम मुंशी जी का, भूप नारायण पासवान जी का, चौकीदार हैं इन लोगों का बहुत है। आज यहाँ पर करीब 44 लोगों को हम लोग ने त्रिपाल बांटा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ विश्वविद्यालय में जोरदार प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ता विश्वविद्यालय पहुंचे और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर पहुंचे विश्वविद्यालय पुलिस ने 3 विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। दिन भर चले प्रदर्शन के बाद विद्यार्थी परिषद ने देर शाम गिरफ्तारी के विरोध में कुलपति का पुतला दहन किया। आपको बता दें कई मुद्दों को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुलपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। यातायात पुलिस व जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के द्वारा जिले के विभिन्न चौक चौराहों पर वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। चिलचिलाती गर्मी व धूप में जितने भी सड़क किनारे फुटपाथ पर मोची भाई अपनी पेट के लिए कड़ी मेहनत करते और ठंडा पानी पीने के लिए तरसते हैं, अब उन्हें ठंडा पानी पीने के लिए मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि केवल वाटर कूलर ही नहीं दिया जा रहा बल्कि आने वाले 2 महीने तक उसमें ठंडा जल भी डाला जाए, जिससे कि लोगों को पूरी गर्मी राहत मिल सके। मौके पर यातायात DSP आशीष कुमार सिंह, डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर पंकज मनस्वी तथा सोसाइटी के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। कड़ाके की गर्मी पड़ रही है और ऐसे में पानी की समस्या यहाँ बरकरार है। सरकार के द्वारा कहीं ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ जो दिन भर आप मोचियों को देखते हैं तिलका मांझी चौक पर जैसे और दूसरी जगह, ये लोग दिन भर धूप में पड़े रहते हैं। पानी की किल्लत है और ऊपर से पानी गर्म हो जाता है, जो पीने का लोग को इच्छा रहता है वो भी कम हो जाता है। तो हम लोगों ने जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से हमारे विभिन्न सदस्यों ने इसमें अपना अपना एक वाटर कूलर दिया है, ये लोग पानी ला सकते हैं, कहीं से मांग करके पानी लाते हैं। तो हम लोगों ने ये जो डब्बा दिया है, जो कूलर है, मतलब उसमें जो डबल बॉडी जो थर्मस टाइप की चीज, जिसमें कि ठंडा पानी भर दिया जाएगा ताकि ये लोग पी सकें। और ये जो महीना है मई जून का, ये तो इस वजह से हम लोग जो है ये प्रयास कर रहे हैं, मतलब एक जागरूकता के लिए भी और कुछ मदद के लिए काम करते हैं। जैसे हमारे मोती हैं, रिक्शे वाले हैं, इनको सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन का रिस्क होता है क्योंकि गर्म हवा में हमेशा ये लोग जो है रहते हैं। और ऐसा देखा गया है कि सरकार की तरफ से समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है, जबकि ये बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पहल की गई है कि हम लोग ऐसे लोगों के लिए वाटर कूलर में जो है के माध्यम से ठंडे पानी की हम लोग व्यवस्था करें।